नव पद महिमा अनंतो कहता पारण आवे जी। नव पद नी महिमा सांभळजो सहुने सुखडू थासे जी। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये नव पद की अनंत गुणी महिमा है, जिसको सुनने से सुख की प्राप्ति होती है, दुख का नाश होता है, कोढ़ आदि सभी रोग नाश होते हैं, सभी प्रकार के भयों का भी नाश होता है, अपुत्रवान को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और किसी भी सांसारिक आशा से रहित होकर यह नव पद की भक्ति आराधना करने से वे मनुष्य अवश्यमेव मुक्ति पद को प्राप्त करता है। यह नव पद की आराधना से श्रीपाल और मैनासुंदरी आदि अनेक जीवों का कल्याण हुआ है। तो आइए सुनते हैं श्री नाकोड़ा तीर्थ जैन ज्ञानशाला के छात्र के मुखारविंद से नव पद का भाव भरा स्तवन। नव पदे नो महिमा सांभळे जो सहुने सुखडू थासे जी। नव पद स्मरण करिता प्राणी भव भव ना दुख जासे जी। नव पद नो मही माँ सांभळे जो सहुने सुखडू थासे जी। नव पद ना मही माथी प्यारे कुष्ट अडारे जावे जी। खासी क्षयने रोगनी पीड़ा पासे कदी नवी आवे जी। नव पद नो मही माँ सांभळे जो सहुने सुखडू थासे जी। अरी करी सागर जलन जलोदर बंधन ना भय जावे जी। चोर चरडने साकन डाकन तस नामे दूर थावे जी। नव पद नो महिमा सांभळे जो सहुने सुखडा थासे जी। अपुत्रियाने पुत्र होवे निर्धनिया धन पावे जी। निरासंसपने ध्यान धरे जे ते नर मुक्ते जावे जी। नव पद नो महिमा सांभळे जो सहुने सुखडू थासे जी। श्रीमती ने ए मंत्र प्रभावे सर्प थयो फूल माल जी। अमर कुमार नव पद महिमा थी सुख पाम्यो सुर साल जी। नव पद नो महिमा सांभळे जो सहुने सुखडू थासे जी।
मैना वयना ए सेव्या नव पद श्री श्री पाले उल्लासे जी रोग गयो ने संपदा पाम्या नव में भवे शिव जासे जी नव पदनो मही मासा भड़ जो सहुने सुखड़ू थासे जी अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु महागुणवंता जी दर्शन ज्ञान चरण तर रूड़ा ए नव पद गुणवंता जे नव पद नो महिमा सांभड़ जो सहुने सुखड़ू थासे जी सिद्ध चक्रनो महिमा अनंतो कहता पारन आवे जी ए आत्म गुण अनुभवीने मंगड़े माड़ावर से जी नव पद नो मही मा सांभड़ जो सहुने सुखड़ू थासे जी।